नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर पाश कालिदास मार्ग से भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा को रवाना किया। यात्रा निकालने वाले उत्साही कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी और भरोसा जताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा। उनके साथ इस मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं यात्रा रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 2 वर्ष पहले आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़कर पंच प्रण का संकल्प लिया था। हर घर तिरंगा के माध्यम से भारत की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा लहराने का काम किया था। मुझे प्रसन्नता है कि 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। गत वर्ष भी अमृत काल के प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनने का मतलब 140 करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाना, उन चेहरों की खुशहाली के लिए 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की समृद्धि में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के इस अभियान का हिस्सा बनना होगा। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। जाहिर है भाजपा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जिसे लेकर प्रदेश में यह अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाएं और इस अभियान के भागीदार बने, जिसके तहत सीएम योगी ने भी लखनऊ में इस अभियान को तिरंगा यात्रा निकालते हुए आगे बढ़ाया। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।